नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी खबर है लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में बड़ी खबर बन जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, विवाद हो जाए, सांप्रदायिक रूप दिया जाने लगे, कुछ ऐसी बातें होने लगी कि इसमें पॉलिटिकल लोग कूद पड़ें और इस मामले से संबंधित लोगों के पॉलिटिकल निहितार्थ तलाशे जाने लगें। इसी वजह से मैं इसका तुरंत जिक्र करना चाह रहा हूँ, आपसे बात इस बारे में करना चाह रहा हूँ। देखिए, आप लोगों के संज्ञान में भी आया होगा, जो लोग समाचारों संपर्क में रहते हैं, समाचार माध्यमों के, टीवी और अखबारों के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। इन्होंने इलाहाबाद के जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में इन्होंने कहा है कि रोज़ सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है जहाँ ये रहती हैं उनके पास, और इस अजान की वजह से उनकी नींद में खलल पड़ता है और इस बात से उन्हें परेशानी होती है, नींद बाधित होती है और तमाम कोशिश के बावजूद भी वह सो नहीं पाती हैं, दिन भर सिर दर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। और उन्होंने पत्र में एक पुरानी कहावत का भी एक उल्लेख किया है और उन्होंने लिखा है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। यानी कि आपकी अगर कोई चीज़ मुझे प्रभावित कर रही है, कि अगर आपकी खुशबू भी आपके खाने की मेरी नाक तक पहुँच रही है तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है और मेरी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके मार्ग में मेरी वो बाधा बन रही है। और कुलपति ने अपने पत्र को लिखते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, वह अपनी अजान लाउडस्पीकर के बगैर भी कर सकते हैं ताकि दूसरों की दिनचर्या प्रभावित ना हो। इसके अलावा संगीता श्रीवास्तव ने पत्र में कुछ और भी चीज़ों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि आगे ईद से पहले सहरी की घोषणा भी होगी 4:00 बजे, क्योंकि जल्द ही रमज़ान शुरू होने वाला है, यह भी उनके और दूसरों की परेशानी की वजह बनेगी। पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि भारत के संविधान में सभी वर्ग के लिए पंथ निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सौहार्द की परिकल्पना की गई है और पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश PIL नंबर 570 ऑफिस 2020 का हवाला भी दिया गया है। बहरहाल, ये सब तकनीकी बातें हैं, भावनाओं की बात हो रही है यहाँ पर। और इसका ये जो पत्र है उनका, इस पत्र को लेकर प्रशासन ने संज्ञान लिया है और 3 मार्च को बताया जाता है कि ये पत्र लिखा था और वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं भानुचंद्र गोस्वामी, उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने इसके बारे में जांच के लिए भी कहा है और कुलपति ने अपने इस पत्र की कॉपी कमिश्नर, IG और DIG को भी भेजी है। DIG सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने ये कहा है कि कुछ दिनों पहले उन्हें एक लेटर मिला था और मामले में संबंधित अधिकारी को जांच कर वैधानिक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। DM भानुचंद्र गोस्वामी ने भी नियमानुसार कार्रवाई की बात की है। हालांकि इसमें योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कुछ साल पहले दोस्तों एक डिसीजन दिया था और उन्होंने कहा था कि जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों या कोई भी, तो उन्हें शोर नहीं मचाना चाहिए, लाउडस्पीकर के माध्यम से अपनी धार्मिक प्रक्रियाएं नहीं करनी चाहिए और इससे विद्यार्थियों और मरीजों, इन सब लोगों का हर्जा होता है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये कई साल पहले जब योगी की सरकार बनी थी उस समय ये बात कही गई थी और उन्होंने कहा था कि इस पर प्रतिबंध सख्ती से लगाया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये मामला ही ऐसा है, अगर आप मस्जिद पर अजान को रुकवाएंगे तो फिर आपको मंदिरों में घंटे और जो शोर मचता है सुबह के समय, बहुत से तो मंदिर ऐसे हैं कि वहाँ पर पुजारी सुबह ही सुबह पूजा करने के नाम पर आते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं और वहाँ पर लाउड स्पीकर पर ऑडियो कैसेट लगाकर या CD प्ले करके धार्मिक गीतों की चले जाते हैं और 2-3 घंटे तक वो गाने बजते रहते हैं, जिन्हें भजन कहा जाता है, वो भी एक तरह का नॉइस पॉल्यूशन है। मैं इन सब चीज़ों के लिए पर्सनली बहुत ख़िलाफ़ रहा हूँ। आपको याद होगा कुछ साल पहले सोनू निगम, मशहूर प्लेबैक सिंगर, उन्होंने कहा था कि उनके घर के पास कोई मस्जिद है और सुबह सुबह बड़ी तेज़ आवाज़ में वहाँ से अजान आती है और ऐसी आवाज़ आती है कि वो चिल्लाकर उठ जाते हैं। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक वीडियो भी शेयर किया था सोनू निगम ने और उस वीडियो में उन्होंने अपनी छत से वो आवाज़ रिकॉर्ड की थी, जबकि माइक उनके मोबाइल में ही था और वहाँ उनके घर के पास जहाँ से अजान आ रही थी उसकी आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई दे रही थी और बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। अब सोनू निगम जैसा आदमी ज़रूर मुंबई के किसी पॉश इलाके में रहता होगा
अगर उन्हें इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो बाकी लोगों की तो हाल आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन इसके बाद सोनू निगम पर आरोप लगने लगे और सोनू निगम को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर। उनके बारे में ये कहा जाने लगा कि वो मोदी भक्त हैं और मोदी के याद में, मतलब मोदी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने नमो नमो करके एक गीत भी गाया था, और वो गीत मेरे ख्याल में उन्होंने उस कार्यक्रम में गाया था जब रजत शर्मा के आपकी अदालत के 21 साल हुए थे, और उस कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सोनू निगम ने नरेंद्र मोदी के लिए नमो नमो वाला गीत गाया था। लोग बाग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सब चीज़ों में ढूंढ लेते हैं, और इस देश की दुर्भाग्य यही है कि हर चीज़ में राजनीति शुरू हो जाती है और मुद्दा ख़त्म हो जाता है। मंदिरों का बजने वाला संगीत और मस्जिदों की अजान, ये सब चीज़ें क्यों नहीं रुक रही हैं? क्यों इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है? पुलिस किस राजनीतिक दबाव में है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात का डर है कि अगर वो मस्जिदों में इनके खिलाफ एक्शन लेंगी लाउड स्पीकर्स के बजने के, तो हो सकता है कि उसके बाद मंदिरों में भी रोकना पड़े, और मंदिरों में रोकना उनके लिए मुश्किल होगा और विवाद होगा इससे। तो हो सकता है कि मुस्लिम समाज के लोग ये कहें कि आप मंदिरों में तो रोक नहीं पा रहे हैं, मस्जिदों में रोकने आ गए हैं। और शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की है, जबकि इन पर मेरा मानना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने अक्सर सुना है कि सुबह के शाम समय जहाँ मेरा घर है उसके आसपास छोटे मोटे गाँवों से, दूर से मंदिरों से, मस्जिदों से खूब शोर मचता है सुबह 5:30 बजे के आसपास, और लगभग आधा घंटे तक इतना शोर सुनता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता कि किसको दोष ठहराया जाए। इसमें सरकार को सोचना होगा और सारी चीज़ों पर गौर करना होगा कि वो किस चीज़ को सही मानती है, किसको गलत मानती है। और मुझे संगीता श्रीवास्तव मैं बिल्कुल नहीं जानता कि उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से आती हैं, क्या किसको बिलोंग करती हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात, अपनी मांग रखी है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और उनकी बात को पॉलिटिकल रूप ना दिए बगैर सीधे सीधे उसे एक जन समस्या की तरह हैंडल किया जाना चाहिए और उनका समाधान होना चाहिए। बहरहाल मुद्दा था, इस पर मन था कि आपसे बात करूँ, इसलिए बात की। आशा है कि आप लोग भी मेरे वीडियो के जो मर्म है उसको समझेंगे कि कोई भी धार्मिक आयोजन हो उस पर लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, और इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।